गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इन्वेंशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, पिछले 25 दिनों से धूप ही नहीं थी, पूरे क्लाउडी डेज वेदर था, धूप ही, थोड़ी भी धूप नहीं थी। बैटरी कैसे तो चार्ज हो जाती थी 4 बजे तक, और पिछले 4 दिनों से रात दिन बारिश पड़ रही है। उसके बाद ये आज सूर्य महाराज के दर्शन हो गए। दोस्तों, बारिश से हमारे यहाँ सभी तरफ बाढ़ आ गई है। हमारा सांगली शहर 60% पानी में है। दोस्तों, धूप इतनी दिनों बाद निकली है आज। अभी मैं लोड डालने वाला हूँ सोलर इन्वर्टर पर, मेरे गामा प्लस पर। अभी लोड नहीं दिया है, ओवन लगाने वाला हूँ। बैटरी देखिए 14 वोल्ट पर है। नौ परसेंट लोड है अभी फिलहाल। देखिए VOC मेरा इतना दिखा रहा है अभी, सोलर पैनल के वोल्टेजेस 43 वोल्ट दिखा रहा है। जब बारिश के बाद धूप पड़ती है तो इतना वोल्टेज जाता है सोलर पैनल का, लगभग 43 वोल्ट दिखा रहा है वोल्टेज। अभी इस पर अभी लोड दूंगा मैं मेरे ओवन का, तो ये VOC कम होते हो जाते हैं। देखिए लगभग 42.8 VOC है। बारिश के बाद जब सोलर पैनल पूरे धुले होते हैं और पोल्यूशन भी कुछ नहीं रहता, तब इतना हुए उसे मिल जाता है धूप पड़ने पर बारिश के बाद। देखिए अभी लोड डाल दिया मैंने, VOC कम हो गया, 33 वोल्ट हो गया VOC लोड डालते ही। VOC हो गया, एम्पियर आ रहे, SPV से एम्पियर लगभग 20 एम्पियर आ रहे, 25 एम्पियर तक मुझे मिला है। दोस्तों, मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तब पूरे मुझे 35 एम्पियर मिले। इस वक्त बैटरी देखिए 14 वोल्ट पर होती है, अभी 13.1 वोल्ट पर आ गई है लोड देते ही। 1200 वाट सोलर पैनल का मुझे लगभग 35 एम्पियर मिला दोस्तों दिन भर। आज सुबह एक बार राइस कुकर लगाया है, वॉशिंग मशीन लगाया है, ओवन अभी दूसरी बार लगा रहा हूँ सुबह से। 2-3 यूनिट बना दिया आज मैंने, कड़क धूप थी इसलिए। देखिए 74% लोड है, ओवन चालू हुआ है, हो गया है मेरा। जब कड़क धूप होती है तभी मैं ज़्यादा लोड देता हूँ, नहीं तो रेगुलर लोड चलता है मेरा, TV फैन वगैरह ट्यूब। जब कड़क धूप हो तो ही मैं ज़्यादा लोड देता हूँ इन्वर्टर पर। सोलर पैनल के एम्पियर पर सब चल जाता है दोस्तों, बैटरी एम्पियर ड्रॉ कम होता है। देखिए 21 एम्पियर आ रहा है, 21-22 एम्पियर 1000 वाट सोलर पैनल से। देखिए 1000 वाट सोलर पैनल से लगभग 23 एम्पियर आ रहे हैं। 25 दिनों बाद इतने एम्पियर मुझे मिले, नहीं तो इसके पहले का वीडियो आप देखिए 9 एम्पियर मिल रहे थे। 1260 वाट सोलर पैनल के 9 एम्पियर मिल रहे थे ओनली, अभी 1000 वाट सोलर पैनल के 22-23 एम्पियर मिल पा रहे हैं। 24 तक जाता है दोस्तों, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। ये 23 एम्पियर आ रहा है, 22.5। 1000 वाट पैनल से इतने एम्पियर मिल पा रहे हैं। पॉली पैनल 330 वाट के 3 पैनल और ये 260 वाट के पैनल है पॉली, लेकिन लगभग 11 एम्पियर दे रहे। एकदम कड़क धूप है आज, बारिश के बाद की धूप। 11 एम्पियर मिल पा रहे 260 वाट पैनल से। 100 वाट के 2 पैनल है मेरे पॉली और 60 वाट का 1 पैनल पॉली है। और ये है जो 23 एम्पियर मिल पा रहे हैं, वो 330 वाट के 24 वोल्ट के 3 पैनल है, उनसे लगभग 23 एम्पियर मिल पा रहे, 22-23, थोड़ा कम ज़्यादा होता है।
भी बैटरी एम्पियर ड्रॉ कितना ही देखेंगे। देखिए ओनली 13 एम्पियर, 13-14 एम्पियर से बैटरी ड्रॉ हो रही है, कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 3 एम्पियर 3 एम्पियर से भी ड्रॉ होती है बैटरी सभी। अभी ये मेरा जो लोड चल रहा है 74% वो सोलर पैनल पर ही चल रहा है, सोलर पैनल से जो एम्पियर आ रहा है उस पर चल रहा है। देखिए 13 एम्पियर ओनली बैटरी से ड्रेन हो रहा है और ये लगभग 9-10 एम्पियर PWM चार्ज कंट्रोलर बैटरी को दे रहा है चार्ज करने के लिए। ये मेरी मैंने ऑब्जर्वेशन किया वीडियो के बाद, ये बैटरी मेरी 10 मिनट में ही फिलफुल हो गई दोस्तों, 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कम ज़्यादा एम्पियर से ड्रॉ होती है, ड्रेन हो रही है 22 एम्पियर, अभी 3 एम्पियर से भी ड्रेन होती है। धूप की तीव्रता कितनी हो उस पर एम्पियर आते हैं नीचे ज़्यादा। देखिए धूप एकदम कड़क, एकदम व्हाइट व्हाइट आकाश है, पूरा पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं, सब क्लियर कट आकाश है, सूरज की किरणें अच्छी मिल पा रही है। देखिए थोड़े कम ज़्यादा एम्पियर हो रहे हैं, 18, 20, 19, हाईएस्ट इसके मुझे 24 एम्पियर मिले 1000 वाट पैनल से, और 260 वाट पैनल से 11 एम्पियर मिले हाईएस्ट जब मैं वीडियो बना रहा था तब। सुबह से इतना ही मिल रहा है मुझे, सुबह से बहुत वर्क हो गया है इन्वर्टर पर। एक एक घंटा वॉशिंग मशीन, 40 मिनट राइस कुकर और 30-30 मिनट 2 बार ओवन, इतना मैंने आज काम कर लोड दिया था यूटेल गैमा प्लस पर। बैटरी पर कुछ भी लोड पड़ा नहीं दोस्तों, धूप थी कड़क आज। ठीक है इधर इधर 21 एम्पियर दिखाता है, उधर क्लाइम मीटर पर ज़रा ज़्यादा एम्पियर दिखाता है, 1-2 एम्पियर ज़्यादा दिखाता है। लगभग मैंने 2.5 से 3 यूनिट आज बना लिए, बहुत लोड दिया आज, बहुत दिनों से धूप खिली है इसलिए। बैटरी 13 वोल्ट पर है, मेरी बैटरी आज सुबह ही चार्ज हो गई थी 10 बजे। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाया, राइस कुकर लगाया और ये ओवन दूसरी बार लगा रहा हूँ अभी। मेन शॉप ही है, पिन निकाली हुई रहती है मेरी हमेशा, 74% लोड है। इसका पिछले का वीडियो देखिए दोस्तों आप, उसमें मुझे 9 एम्पियर मिल पा रहे थे 1260 वाट पैनल से। अभी इस वीडियो में 5 दिन बाद बने, 5-10 दिन बाद ये वीडियो बनाया मैंने, उसमें लगभग 24 एम्पियर मिल पा रहे हैं मुझे 1260 वाट पैनल से। और ऐसे बहुत सारे टेक्निकली टेस्टिंग वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। देखिए 25 एम्पियर मिल पा रहे हैं 1000 वाट पैनल से। सब तरह के रिपेयर के भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, हाउ टू रिपेयर सोलर पैनल स्ट्रक्चर, सोलर पैनल क्लीनिंग, वाटर हीटर मेंटेनेंस, सोलर वाटर हीटर मेंटेनेंस, सोलर बैटरी मेंटेनेंस, लगभग 24 एम्पियर के आगे है मिल पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ऑन ग्रिड के 2-3 वीडियो मेरे आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।